हाई एवरीबडी वेलकम बैक टू माई चैनल केमिस्ट्री चैट चैट सो दिस इज नंबर एलेवन एंड इन दिस पार्ट वी विल डू सम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड एलिमेंट हैजट इज इक टू सेवन वट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द एलिमेंट इन्होंने है कि कोई आपका एलिमेंट होगा उसका एटोमिक नंबर यानी कि जेड कितना है सेवन है सो हमको वैलेंसी फाइंड आउट करनी है और एलिमेंट का नेम बताना है तो आप क्या करोगे अटोमिक नंबर सेवन है दैट मीन्स सेवन अटोमिक नंबर किसका होता है नाइट्रोजन का होता है तो दैट मीनस एलिमेंट का नेम क्या होगा नाइट्रोजन एंड देन आप क्या करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख लो उसका दैट मीन्स हो जाएगा टू कॉमा फाइव सो आप इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइव हैं इसको अपनी ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए थ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी सो दैट मीन्स वेलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन विल बी थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड वॉट नेम इज गिवेन टू दैयर ऑफ द आटम्स दस नाइट्रोजन एंड सेकेंड वन नाइट्रोजन अब आपको दिख रहा होगा ये जो पूरा दो का ये एक पेयर दे रखा है इन्होंने इसमें आपको बताना है ये क्या नाम दोगे आप इसको अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें अटोमिक नंबर सेम है बट अटोमिक मासिस जो हैं वो डिफरेंट है तो दैट मीन्स अटोमिक नंबर सेम है एंड अटोमिक मासेज आर डिफरेंट दैन दीज आर दइसो टोप्स ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इज सिक्सटीन फाइंड द वैलेंसी ऑफ एक्स एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एक्स इन्होंने बोला है कि एटॉमिक नंबर कोई एलिमेंट है एक्स उसका है सिक्सटीन ठीक है तो हमको वैलेंसी बतानी है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बताना है तो आपको पता है कि सिक्सटीन एटॉमिक नंबर किस किसका होता है सल्फर का होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टू कॉमा एट कॉमा सिक्स एंड इसके आउटर शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मीन्स इसको अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए टू इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी सो वैलेंसी ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट विल बी टू राइट सो नाउ गाइज दिस इज दॉल्यूशन अटोमिक नंबर सिक्सटीन है तो दैट मीन्स एलिमेंट हमारा सल्फर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा एट कॉमा सिक्स तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ द मास नंबर ऑफ टू आइटम एक्स एंड वाई इज 40 अटोमिक नंबर डिफरेंट ट्वेंटी कॉमा एटीन देन एक्स एंड वाई आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्होंने बोला है कि दो एलिमेंट रहे होंगे हमारे उसके जो दो आटम्स हैं एक्स और वाई उनका मास नंबर सेम है दोनों का मास है फोर्टी बट अटोमिक नंबर फर्स्ट एक्स का ट्वेंटी है एंड वाई का एटीन है तो आपको बताना है ये किसके एग्जाम्पल हैं तो आइसोटोन्स का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए तो ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है ठीक है आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है आइसोटोप्स मीन्स दे हैविंग द सेम अटोमिक नंबर ठीक है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अटोमिक नंबर दोनों के चेंज हैं ट्वेंटी है फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले का एटीन है तो आइसोटोप्स तो होंगे नहीं बट अटोमिक मास जो है इनका सेम है तो अटोमिक मास सेम है दैट मीन्स दे आर द आइसो बार्स सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्रोमियम कैडमियम कार्बन एंड कैल्शियम अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है सिंपली इलेक्ट्रोवैलेंसी उन आइटम्स के थ्रू शो करी जाती है जो अपनी ऑक्टिक को कम्प्लीट करने के लिए क्या करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो आप फर्स्ट वाले में देखो क्रोमियम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम करेंगे तो टू कॉमा एट कामा थर्टीन कॉमा वन कैडमियम का होता है फोर्टी एट तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम इसका कर लेंगे देन कार्बन का कर लेते हैं तो टू कॉमा फोर मिल जाएगा हमें कैल्शियम का हो जाएगा टू कॉमा एट कॉमा एट कामा टू अब आपको दिख रहा होगा सब में क्या है क्या, क्रोमियम की अगर हम बात करें तो वो वन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो गेन करेगा अपनी अपनी डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए ठीक है तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रो वैलेंसी को शो करेगा नेक्स्ट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन तो आपको पता है कार्बन का अटोमिक नंबर होता है सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा फोर तो इसको फोर इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा या शेयरिंग करेगा अपने ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए एंड वेनेवर एनी आइटम शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू कम्पलीट इट्स ऑक्टेट देन इट रिप्रेजेंट द कोवैलेंसी सो कार्बन रिप्रेजेंट द कोवेलेंसी तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कार्बन हो जाएगा क्योंकि कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रो वैलेंसी को शो नहीं कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस टू माइनस अब सल्फर का ये आयन दे रखा है इन्होंने तो हमसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो सिक्सटीन अटोमिक नंबर होता है सल्फर का एस है ये इसका एनआयन है तो अटोमिक नंबर कितना हो जाएगा एटीन हो जाएगा तो एटीन एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो दैट मीन्स आप क्या करोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा एट कॉमा एट तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दउटर मोस्ट शेल विल बी एट सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर सो नाउ गाइज क्वेश्चन नंबर सेवन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर कैंसर के ट्रीटमेंट में इन चारों में से कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करा जाता है फर्स्ट इज आयोडीन वन हंड्रेड थर्टी वन सेकेंड कोबॉल सिक्सटी थर्ड वन आरसैनिक सेवेंटी फोर फोर्थ वन इज द प्लोटोनियम टू थर्टी नाइन तो कोबॉल कोबाल सिक्सटी को यूज़ करा जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में सेकेंड नाउ क्वेश्चन नंबर एट नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ग्रेफाइट आइटम आपको बताना है कितने नंबर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रेफाइट के आटम में अब आपको पता है कि ग्रेफाइट क्या होता है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट कार्बन की तो जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में होगा उतना ही ग्रेफाइट में होगा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा फोर तो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रेफाइट आटम में होंगे तो थर्ड पार्ट विल बी द राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन्थ वट इज द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन आपको इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं सोडियम आयन का मतलब हो गया इसका एटॉमिक नंबर टेन हो गया ठीक तो है तो टू कॉमा एट कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर एंड एट इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में प्रेजेंट हैं तो दैट मीन्स एट विल बी इट्स वैलेंस इलेक्ट्रेस एलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इफ आई एम टॉक अबाउट द ऑक्साइड आयन ऑक्साइड आयन में क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ टू माइनस तो ओ टू माइनस का मतलब क्या है अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया है टेन हो गया है ठीक है तो टू कॉमा एट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड एट विल बी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस पर्टिकुलर आयन ठीक है सो नाउ गाइज दिस पार्ट इज आर ओवर एंड डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल फॉर द न्यू वीडियोज नोटिफिकेशन